घूमे घूमे बंजारे, घूमे गलियां ये बेचारे, जाओ ना कुछ वे रुको, आगे होगा क्या। है एवरीवन, जोहार, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा खास होगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं इंदौर से भाई कोलकाता के लिए जा रहा हूँ, वो भी फ्लाइट से। फ्लाइट जर्नी होगी ये वाली वीडियो में, सो मेक श्योर कि आप लोग इन्जॉय करोगे। और फाइनली बोर्डिंग पास भी हो गया, बस अब इंतज़ार है भाई फ्लाइट में बैठने का। और अभी मैंने आपको जो देवी अहिल्या एयरपोर्ट है उसका तो दीदार करवा ही दिया है, बस अब फ्लाइट के दीदार करवाते हैं और फिर पहुंचते हैं कोलकाता। देन अभी बोर्डिंग टाइम है 7 बजे का, सो अभी 10 मिनट की देरी है, उसके बाद हम होंगे भाई फ्लाइट में। इंदौर का देवी अहिल्या एयरपोर्ट, सेकंड फ्लोर से कुछ ऐसा व्यू है। और यहाँ हुई थी हमारी वेब चेकिंग, जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, लैपटॉप, मोबाइल, पावर बैंक और बेल्ट और बहुत सारी जो भी चीज़ें होती है वो सारी निकालनी पड़ती है। सो भाई लोग, आप लोग इन्जॉय करना ये वाली मेरी इंदौर टू कोलकाता फ्लाइट जर्नी, और बताना कमेंट में कि आपको कैसी लगी। सच में यार, काफ़ी दिनों के बाद फ्लाइट में बैठा तो कुछ अलग ही लेवल की फीलिंग हो रही थी। और अब बारी थी बस फ्लाइट को यहाँ से उड़ के जाने की कोलकाता के लिए, और वो कोशिश भी पूरी हो गई और हमारी फ्लाइट कोलकाता के लिए निकल पड़ी। फ्लाइट में तो मैं कई बार बैठा हूँ, लेकिन नाइट टाइम यह मेरा फर्स्ट टाइम था जब भाई रात की अंधेरी में ऊपर से जो पृथ्वी का व्यू देखने को मिला, सच में यार दिल को छू गया। और इसी व्यू को देखते देखते कब मैं कोलकाता पहुँच गया मुझे पता भी नहीं चला। और फाइनली यार कोलकाता आके मुझे कुछ अलग ही लेवल की फीलिंग हो रही थी, क्योंकि जो रात का एक्सपीरियंस था और जो व्यू था इस दिल में इस कदर बैठ गया कि भाई सपने में भी वही चल रहा था। और यहाँ पर पहुँचते ही यार मुझे एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन होते हैं कि भाई फ्लाइट का टिकट कितना होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप 8 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले अगर टिकट बुक करते हो जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, तो वह आपको मतलब कम से कम 4000 या 5000 में मिल जाएगी टिकट। और अगर आप इमरजेंसी, जैसे कि अगर आपको कल जाना है, तो यहाँ पर आपको 10000 से 12000 के बीच में मिलेगी या फिर 8 से 10 के बीच में मिलेगी। तो अगर आपको कहीं जाना है तो आप यहाँ पर 10 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले ही टिकट बुक कर लीजिए, तो आपको बहुत ही कम में यहाँ पर आपको टिकट मिल जाएगी। अब मुझे इमरजेंसी जाना था मेरे कुछ काम से, इसलिए मैंने यहाँ पे इमरजेंसी टिकट बुक की और यह मुझे मिली 12000 में। तो फाइनली मैं कोलकाता पहुंच चुका हूँ और ये रही मेरी फ्लाइट से आया। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं भाई जहाँ पे आए हैं वहाँ। फिर आगे क्या है कोलकाता में, कौन सा वीडियो देखने को मिलेंगे, किसके है, वो आपको आगे बताऊंगा।
फ्लाइट से एग्जिट होने के बाद यहाँ पे इंडिगो की एक बस खड़ी थी जो कि सभी पैसेंजर को यहाँ से पिकअप करके उस एग्जिट पॉइंट पे लेके जाएगी जहाँ से हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर होंगे और कुछ ही देर में एयरपोर्ट के अंदर एंटर होंगे। सो अभी आप ये जो देख रहे हो ना, ये है सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एक नाम बड़ा नहीं है, यह एयरपोर्ट ही बड़ा है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा फ्लाइट गेट है, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा है। और यहाँ पे डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइटें दोनों चलती है। सो फाइनली अभी हमने यहाँ पे कैब कर ली है जहाँ पे मुझे जाना है। और ये ड्राइवर सर, हेलो भैया, कैसे हो? अच्छे हो। कोलकाता में मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, यहाँ के जो नागरिक है ना, काम से जल्दी आके खाना खा के जल्दी सो जाते हैं, इसलिए यहाँ की सड़कों पे ट्रैफिक रात के टाइम बहुत कम होता है। और इसी का फायदा हमारे ड्राइवर ने उठाया और जल्दी से गाड़ी को भगा के भाई मुझे अपने डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया। और मेक श्योर कि आप लोगों ने भी इस वीडियो में इंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। हम मिलते हैं जल्द।